हेलो गाइस, आज हमारे पास हैं तीन अपडेट्स, ब्लेसिंग, फिल हीथ और विलियम बोनैक से रिलेटेड। आज की पहली अपडेट है ब्लेसिंग अवोदिबो से रिलेटेड। ब्लेसिंग के कोच थे चैड इंडी प्रो के वक्त। इंडी प्रो में उनको एक्सपेक्टेड प्लेसिंग नहीं मिली, लेकिन अभी हाल ही में अब्दुल्ला जो ब्रैंडन करी के कोच हैं, उन्होंने एक पोस्ट में ब्लेसिंग को अपनी टीम में वेलकम किया है। इसका मतलब ब्लेसिंग अब्दुल्ला के अंडर ट्रेन करेंगे। ब्लेसिंग एक अच्छे एथलीट हैं। ब्लेसिंग का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है क्योंकि उनकी वेस्ट बहुत ही छोटी है, वैक्यूम पोस्ट अच्छे से हिट कर लेते हैं। अगर वो अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करके कम्पीट करेंगे तो बहुत बड़े थ्रेट हो सकते हैं। इंडी प्रो में उनकी कंडीशनिंग अच्छी नहीं थी, बहुत ही फ्लैट आए थे। उनको अपनी लोअर बॉडी का साइज बढ़ाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। फिल का यह है रिसेंट ट्वीट। I haven't felt and looked this good in a long time. Body is finally responding after these two hernia surgeries and also a torn MCL from 2020. I am enjoying this process as I all think of as triumph. Hashtag comeback season. Future is bright. इसका मतलब हो सकता है कि उनकी बॉडी अभी अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रही है और वो इस साल के ओलंपिया में कम्पीट करेंगे। फिल एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी बिल्डिंग लेजेंड है। 7 times ओलंपिया चैंपियन रह चुके हैं। इंटरेस्टिंग होगा अगर वो अपने मिड सेक्शन को फिक्स करके स्टेज पे आते हैं तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। विलियम बोनैक ने अपनी करंट फिजिक अपडेट पोस्ट की है। 12 weeks आउट फ्रॉम अर्नोल्ड क्लासिक और 14 weeks आउट फ्रॉम ओलंपिया। विलियम बोनैक अर्नोल्ड क्लासिक 2020 के विनर हैं। ये एक ऐसे एथलीट हैं जो कंसिस्टेंटली कंडीशनड आते हैं। इस पिक्चर में भी इनकी बैक बहुत ही कंडीशनड है, बहुत थिक और डेंस लग रही है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्टेज पे कैसे आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।